हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन में। जैसा कि आपको पता ही है कि हम क्लास 12th की फिजिक्स कर रहे हैं, जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं। अभी तक हमने जो फिजिक्स की सेकंड बुक है उसका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, उसके बहुविकल्पी आपको करा दिए। आज ये जो फिजिक्स की सेकंड वाली बुक है उसका थर्ड चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, उसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में कई बार आ चुके हैं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लैम्डा तरंग दैर्ध्य फोटोन की ऊर्जा है। आपको फोटोन की ऊर्जा निकालनी है जिसका तरंग दैर्ध्य दिया है लैम्डा। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ई बराबर एच म्यू, ठीक है। अभी जो म्यू है वो क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, तो हम इस म्यू की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा। तो जो फोटोन की ऊर्जा आएगी वो क्या आएगी, एच सी अपॉन लैम्डा, और ई बराबर एच भी जो है फोटोन की ऊर्जा होती है, इससे हमने इस फॉर्मूले को निकाला है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति कैसी हो। देखिए कोई धात्विक पृष्ठ होता है उसमें से जब इलेक्ट्रॉन अंदर होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम उस पर प्रकाश डालते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। पर अगर आपतित प्रकाश जो है, आने वाला प्रकाश है, उसकी आवृत्ति अगर कम है तो धातु से प्रकाश निकलता ही नहीं है। धातु से जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन है वो नहीं निकलेंगे। अगर जो प्रकाश है उसकी आवृत्ति कैसी है, कम है, तो आपके इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो यही वाली आवृत्ति क्या कहलाती है, हमारी दहली आवृत्ति। ये जो आवृत्ति है वो क्या कहलाती है, दहली आवृत्ति, ठीक है। ये न्यूनतम आवृत्ति जो है वो दहली आवृत्ति हो जाती है, मतलब इससे अगर कम हमने प्रकाश डाला तो धातु से जो है इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। मतलब हमारे जो धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो प्रकाश है वो दहली आवृत्ति से ज़्यादा का होना चाहिए। दहली आवृत्ति से कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए हमारा प्रकाश, ठीक है। सो बस यही है कि आपका जो प्रकाश है वो दहली आवृत्ति जो है उससे अधिक का होना चाहिए, प्रकाश की जो आवृत्ति है, तभी उससे इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे। दहली आवृत्ति से अगर कम प्रकाश डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, पर अगर अधिक डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, दहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए प्रकाश की आवृत्ति। किसी धातु का कार्य फलन एच सी अपॉन लैम्डा नॉट है। इस पृष्ठ पर लैम्डा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है, धातु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए क्या शर्त है। देखिए धातु का कार्य फलन होता क्या है, ये तो आपको पता है कि W होता है कार्य फलन। कार्य फलन क्या है, कार्य फलन जो है प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है वही कार्य फलन है, ठीक है। तो अब आपका जो कार्य फलन है वो उसका फॉर्मूला होता है एच, एक सेकंड, आपका देखिए कार्यफलन आपने निकाल लिया, कार्यफलन के फॉर्मूला आपको दे ही रखा है एच सी अपॉन लैम्डा, ये कार्यफलन का फॉर्मूला होता है। अब कार्यफलन को अधिक करने के लिए आपका लैम्डा का मान कैसा होना चाहिए, लैम्डा का मान कम होना चाहिए। अगर लैम्डा कम होगा तो कार्यफलन अधिक होगा, अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो कार्यफलन कैसा होगा, आपका कम आएगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि लैम्डा जो कार्यफलन आए आपका, उसमें जो प्रकाश पड़ रहा है जिस भी जिस धातु पर, उसकी आवृत्ति कित उसका जो आपका तरंग दैर्ध्य है उस प्रकाश का वो कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए किससे, कार्यफलन से, तभी इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ पाएंगे। क्योंकि अगर कार्यफलन के बराबर हमने प्रकाश डाल दिया तो इलेक्ट्रॉन केवल सतह पर ही आ पाएंगे, वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि कार्यफलन जो है वो बहुत न्यूनतम होता है एक तरह से, बाहर निकालने की जो ऊर्जा है। तो हमें जो प्रकाश डालना है वो अधिक तरंग दैर्ध्य का डालना है, यानी कार्यफलन से अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश होना चाहिए। अब कार्यफलन से अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश होना चाहिए, यानी कार्यफलन को कम करना है। अगर कार्यफलन कम होगा तो एच सी अपॉन लैम्डा, तो मतलब इसका मान हमें ज़्यादा लेना होगा। कार्यफलन कब कम होगा, कार्यफलन तभी तो कम होगा जब ये जो डिनोमिनेटर में लैम्डा नॉट है इसकी वैल्यू कैसी हो, ज़्यादा हो। तो यानी जो लैम्डा नॉट है वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, लैम्डा से, ठीक है। आई होप इसके पीछे का जितना भी लॉजिक है आपको समझ आ गया होगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है।
उसके बाद है प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में निरोधी विभव जो है वी नॉट तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति म्यू के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा मिलती है जो ए वी एक्स से क्या बनाती है, थीटा कोण बनाती है। कार्यफलन डब्ल्यू हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा, ये आपने करा होगा। टेन थीटा बराबर हमारा उसमें आता है एच अपॉन ई, ये होती प्रवणता, इसे प्रवणता भी बोला जाता है। टेन थीटा बराबर आपका आता है एच अपॉन ई, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ वो सारे जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में एक आध बार आ ही चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो नहीं आया हुआ हो, फालतू का क्वेश्चन आपको मैंने कोई भी नहीं कराया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को, ये जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें से बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं। उसके बाद है निम्न कर्ण एक समान वेग से चल रहे हैं, अधिकतम संवेग किसका होगा। वेग सबका एक समान है तो संवेग किसका अधिक होगा। देखिए P बराबर होता है आपका एम वी। अब इन्हें ये तो कह दिया कि आपका जो V है वो सब में कैसा है, इक्वल है, समान है, तो V को भूल जाइए। तो मतलब P जो है वो M पर भी डिपेंड करता है, M यानी मास द्रव्यमान। तो अब देखिए किसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा अधिक है, सबसे कम होता है, अल्फा कण का भी इतना नहीं होता और न्यूट्रॉन का भी इतना नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान जो है वो बीटा कण का होता है, इस कारण बीटा कण का संवेग अधिक होगा। यदि किसी कण का संवेग दूना कर दिया जाए तो उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की क्या होगी। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला आपको पता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है। अब ये आपसे कह रहे हैं कि हम इसका जो संवेग है वो दो गुना कर दे रहे हैं। अगर जैसे लैम्डा है आपको एच अपॉन पी दिया है और लैम्डा डैश अगर आप निकालें तो वो जगह एच अपॉन टू पी, यानी दो गुना कर दिया हमने इसे। ठीक है, आपने इसे दो गुना कर दिया, इसे हमने एच डैश कह दिया। अब देखिए आप ये जो एच अपॉन पी है, एच अपॉन पी इसमें भी है। ठीक है, हम एच अपॉन पी की वैल्यू क्या है, लैम्डा, तो यहाँ हम लैम्डा रख सकते हैं, लैम्डा अपॉन टू। तो लैम्डा डैश जो आया वो आएगा लैम्डा अपॉन टू, यानी पिछली वाली जो हमारी तरंग दैर्ध्य है उसका आधा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा, डी। नेक्स्ट है किसी गतिमान आवेशित कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किस चीज़ पर निर्भर नहीं करती, एच अपॉन पी अभी बताया मैंने आपको, एच पी को हम क्या लिख सकते हैं, एम वी। तो जो तरंग दैर्ध्य वो देखिए द्रव्यमान है लिखा है, द्रव्यमान पर निर्भर करती है, वेग पर भी करती है, संवेग पर भी करती है, पर वो निर्भर नहीं करती तो किस पे, आवेश पर, क्योंकि इसमें इस फॉर्मूले में आवेश का कोई भी रोल नहीं है, इस चक्कर में ये आवेश पर डिपेंड नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। देखिए फोटोन जो होता है, फोटोन कभी भी गति को अपनी रोकता ही नहीं है। मतलब जब फोटोन गतिशील होता है तभी वो हमें दृष्टि में आता है, या फिर तभी उस जो है गतिशील होता है तभी उसका उपयोग किया जाता है। फोटोन जो है वैसे कभी भी विराम में रहता ही नहीं है। तो जब फोटोन विराम में नहीं रहता है तो उसका विराम द्रव्यमान कितना होगा, शून्य। ठीक है, विराम द्रव्यमान कितना है फोटोन का, शून्य। फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है, फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र निकालने के लिए आपको पहले तो क्वांटम से जो हमने फोटोन की ऊर्जा निकाली है, इज इक्वल्स टू एच वी, ये क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार है। इसमें आधा का बनेगा ये क्वांटम से, और एक ई बराबर होता है एम सी स्क्वायर, ये किसका है, आइंस्टीन का। ये दो सिद्धांत थे हमारे पास इसी फोटोन की जो ऊर्जा है उसे प्रदर्शित करने के लिए, ई बराबर एच वी और ई बराबर एम सी स्क्वायर। दोनों में ई कॉमन है तो हम एच वी को एम सी स्क्वायर के इक्वल रख सकते हैं, सी स्क्वायर। ये वी, एक सेकेंड, उसके बाद हमें द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान का फॉर्मूला हो जाएगा एच म्यू अपॉन सी स्क्वायर। सो ये आपका द्रव्यमान का फॉर्मूला है, इसे मैच कीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। सो आपका ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सो ये आज कुछ क्वेश्चंस थे जिन्हें हमने करा। आगे आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के, या फिर इस चैप्टर में अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट होंगे तो वो आपको कवर कराएंगे। और आप हम अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को क्लास 12th में है
और फिजिक्स में आप लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आ चुके हैं और आगे आ सकते हैं, वो हम आपको सारे कवर कराएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।